हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाई आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि जैसे देखो, मैंने इस गाड़ी की चाबी ऑन कर दी और इसने तेल की सुई कितनी दिखाई। भाई ये गाड़ी के अंदर तेल दिखा रही है फुल। देखो भाई, इसने गाड़ी का तेल दिखा रखा अभी फुल, अच्छे से आप देख लेना। और मैंने स्विच काट दिया तो ये देखो कहां तक जाएगी सुई। और इस गाड़ी के अंदर तेल है मात्र 1 लीटर और ये दिखा रही है फुल। तो अगर दोस्तों आपकी गाड़ी में, मतलब डीजल की बात चल रही है यहाँ पे, कि आपकी गाड़ी में अगर ये कमी आए कि कभी तो आपकी गाड़ी की मीटर की सुई फुल दिखा दे, कभी कम दिखा दे, ये एग्जैक्ट तेल नहीं दिखाती है, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना भाई। ये जो प्रोसीजर है BS3, BS2 और BS4 इन सभी गाड़ियों के लिए है। और फिलहाल हम ऐप पे गाड़ी को ठीक कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, तो भाई आपने क्या करना है, ये हमारा टप्पा खोल के और टंकी के ऊपर फ्लूड होता है जो कि इसको बोलते हैं हम काइनेक्स कंपनी का, हम इसको चेंज करेंगे। और इसका फ्लूड खराब होने की वजह से गाड़ी क्या कमी दिखाएगी, एग्जैक्ट तेल नहीं दिखाएगी। देखो ये आइटम होती है भाई, इसको हमने चेंज करना पड़ेगा। इसमें कोई भी रिपेयरिंग नहीं होती है, ये नया ही पीस चेंज होता है भाई। पहले टप्पा खोलना है और इसके अंदर नट कितने नंबर का हो मिस्त्री जी? 8 नंबर का नट होता है जिसमें तारा बटा 7 नंबर ही ये रहा। इसको खोल दे एक बार, खोल के इसको बाहर निकाल लेते हैं हम। देखो भाई, अगर ये हमारा फ्लूड खराब हो जाएगा तो गाड़ी एग्जैक्ट तेल नहीं दिखाएगी। इस कंडीशन में इसको रिपेयरिंग नहीं कर सकते भी हम, क्योंकि ये पार्ट नए ही डाले जाते हैं और इसको हम नया डालेंगे तब जाके गाड़ी की प्रॉब्लम ठीक होगी। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने। तो अब इसको कैसे डालना अच्छे तरीके से, पहले एक बार ऊपर टंकी को साफ कर ले। टप हटाइए, चलो इसमें। और ये 8 नंबर के डेब्रिस की खोल के इसको डालने का तरीका ये है भाई, इस तरीके से सेम ऐसे ही डालना है। यहाँ पे थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम कम है क्योंकि स्पेस ज्यादा नहीं है। और इसको इस तरीके से फिट करके राम राम भाई। इस तरीके से आपने इसको चेंज करना भाई। अगर आपकी गाड़ी में डीजल एग्जैक्ट नहीं दिखाती है गाड़ी कि कम हमारा डीजल या ज्यादा एग्जैक्ट नहीं दिखा पाए, तो आपने सीधा सीधा फ्लूड चेंज करना भाई गाड़ी का। इसके ऊपर डेबरी लग गई और नट भी लगेंगे साइड हमको, सारे नट लगेंगे जो, मतलब एक तो इसको टाइट कर दे और ये यहाँ से जो नट ये हमने निकाले हैं इनको भी आप चेंज कर दे। तार कौन सी या वायर किस चीज की हुआ है, सुई बताओ कि इसके ऊपर लग गई, 8 नंबर के ऊपर लग गई, 7 नंबर की डेबरी के ऊपर। कर भाई चेंज इसने फिर, आपन तो रहा सारे पकड़े 8 नंबर की डेबरी है सारी है लंबा, 8 नंबर के भाई। दोस्तों इसके साइड में चुगरदन नट आएंगे जो कि 8 नंबर के होते हैं, आपको उनको अच्छे तरीके से टाइट कर देना। दोस्तों एक मिनट रुक जा, ये नट हमने सारे के सारे टाइट करने अच्छे तरीके से। और इसके ऊपर जो वायर होती है वो वायर लगा के देखो, इस तरीके से आपने वायर लगानी है। और इस पर डेबरी वर्सल जरूर लगा दे भाई, यही एग्जैक्ट बताएगी कि आपकी गाड़ी का डीजल कितना है या कितना नहीं है। इसको टाइट कर देना और बस यहाँ तक काम खत्म है, आगे जाके देखते हैं, आगे जाके देखेंगे। चल हटिए, काम करेगा इब्बे, करना तो चाहिए। तो दोस्तों देखो, मैं यहाँ से स्विच ऑन कर दिया, अब हमने नया फ्लूड लगा दिया, अब तेल देखते हैं कितना दिखा रहा है इस गाड़ी ने। पूरा तेल ही कह रुपया तेल है इसमें, 1 लीटर तेल है, 1 लीटर तेल। तो दोस्तों एग्जैक्ट पहले इसकी सुई कांप दी, फुल थी और गाड़ी चलती है, कभी बीच में आ जाती थी कभी ई पर आ जाती थी। और नया फ्लूड डालने के बाद देखो, मैं स्विच काट देता हूँ इसका, और ये सुई गई भाई इसके नीचे, स्विच लगा दिया। तो अब देखो सुई इसमें 1 लीटर तेल है, 1 लीटर ही डीजल दिखाएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी ऑटो लाइन की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल पर भाई जेन्युइन कंटेंट होता, कोई भी फेक कंटेंट नहीं बनाते।
और ये कमी अगर आपकी गाड़ी में आती है कि आपकी गाड़ी एग्जैक्ट डीजल नहीं दिखाती कि ये गाड़ी के अंदर डीजल कितना मीटर डीजल शो नहीं करता, तो इस कमी में आपने फ्लूइड बदलना है। तो पंडित जी